तरफ अगर हम बात करें डॉज कॉइन की, तो इलन मस्क ट्वीट करके उसके प्राइस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो इंपैक्ट है ट्वीट्स का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। डॉज कॉइन का प्राइस करंटली नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे कुछ और टोकन की, ऐसे मीम टोकन की, जैसे कि शिबा टोकन, तो मार्केट में अपना खुद का इकोसिस्टम लेके आया डॉज कॉइन किलर के नाम से, जिसमें शिब है, लीश, बोन, इस तरह के 3 टोकन्स हैं, और जल्द ही अपना खुद का शिबा स्वैप भी लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते, तो जो डॉज कॉइन के ऊपर डॉगी बना हुआ है, वो भी एक शिबा इनू ही है। शिबा यहाँ एक ब्रीड है, और इनू का मतलब डॉग होता है जैपनीज लैंग्वेज में। तो यहाँ शिबा टोकन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसके पीछे 3-4 कारण है। लेकिन अभी इस वक्त सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि इसकी लिस्टिंग वजीरेक्स के ऊपर हो चुकी है। इससे पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी बाइनेंस के ऊपर। ज़्यादातर जब भी कोई कॉइन लिस्ट होना होता है, उसका पहले नोटिफिकेशन आता है वो 1 या 2 दिन में, या फिर कुछ दिनों बाद लिस्ट होता है। अगर हम बात करें बाइनेंस के ऊपर, तो 4 से 5 घंटे का टाइम दिया गया था, उसके अंदर यहाँ शिबा इनू को लिस्ट किया गया था। प्राइस बहुत ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग से करीब आधा घंटा पहले प्राइस डंप कर दिया गया था। बिल्कुल ऐसी अगर हम आज बात करते हैं वजीरेक्स की, तो वजीरेक्स के ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। इसका प्राइस 3 रुपीस अब बजा चुका है, लेकिन अभी करंटली 0.5 रुपीस से लेकर 1 रुपीस के आसपास चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें बाकी मीम कॉइन्स की, तो उनका प्राइस कभी भी इतना ऊपर नहीं गया, यानी कि 1 रुपए के बराबर नहीं गया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों के यहाँ सेफ मून है, सेफ मार्स है, इस तरह के बहुत से मीम टोकन है। अगर उनकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही पहुंचती है, तो हर कोई ऐसे करोड़पति बन जाएगा। लेकिन शिप टोकन अभी से ही 1 रुपए के बराबर पहुंच चुका है। बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे, इवन मैसेजेस भी कर रहे थे टेलीग्राम के ऊपर, हमारे ग्रुप में इसकी बहुत सी डिस्कशन चल रही थी, क्या शिप टोकन का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नहीं। ये सारी डिस्कशन अभी हम करने वाले इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, नया है, तो अभी से वॉफ्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो हर किसी के पास पहुंचे। लेकिन अगर आप भी एक अच्छा खासा मूव लेके अच्छी खासी क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग करना चाहते, तो आप भी अपडेट रह सकते हैं वॉफ्टर ऑफिशियल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ताकि आप इजीली एंट्री और एग्जिट ले पाए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो विटेलिक बुटेरिन है, यानी कि इथेरियम के फाउंडर हैं, उन्होंने $1.5 बिलियन वर्थ की डोनेशन करी है एनपीओस को, यानी कि इंडिया के जितने भी एनपीओस हैं उनमें। इसी के साथ $1 बिलियन का COVID-19 रिलीफ फंड दिया गया है। ये डोनेशन वेडनेसडे को हुई थी, जो क्रिएटर इथेरियम के, उन्होंने ट्रांसफर किए करीब 500 इथेरियम, और इसी के साथ 50 ट्रिलियन शिप टोकन भी उन्होंने डोनेट किए हैं। ये 50 ट्रिलियन शिप टोकन्स की वर्थ जो थी, वो $1.14 बिलियन के बराबर थी। और ये सारा का सारा पैसा, सारा का सारा डोनेशन इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड में आया है। इस ट्रांजेक्शन की वजह से पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से 35% का शिप के प्राइस में ड्रॉप आया है वेडनेसडे को। उसके बाद शिप का जो प्राइस है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन शिप टोकन के साथ साथ डॉजलोन मार्स, यानी कि इलन के नाम से ऐसा और भी टोकन है जो उन्होंने डोनेट किया, यानी कि उन्होंने करंटली यहाँ मीम टोकन्स जितने भी हैं उस तरह के टोकन्स को डोनेट किया, ताकि यहाँ इंडिया को हेल्प मिल पाए कोविड के टाइम में। इतना ही नहीं, यहाँ इसी के साथ और भी डोनेशन चल रही हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन डोनेशन को जब रुपीज में कन्वर्ट करना होता है, या फिर इनको यूज करने के लिए, अभी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं बनाई है। लेकिन अभी हम बात करने वाले शिबा के बारे में, इसका प्राइस कहां तक जाने वाला है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात है कि यह शिबा टोकन है, इसकी जो लिस्टिंग है बाइनेंस के ऊपर हो चुकी है, हॉबी के ऊपर हो चुकी है, OKX के ऊपर हो चुकी है, बिट फॉरएक्स, हॉटकॉइन ग्लोबल, यानी कि बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। और सबसे अच्छी एंट्री इसने ली है बाइनेंस के ऊपर, और अभी अगर हम बात करते हैं इस वक्त ये वजीरेक्स के ऊपर भी आ चुका है, यानी कि इंडियन क्रिप्टो पॉपुलेशन जितनी भी है, वो बहुत ही आसानी से इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सच में डॉजकॉइन किलर के नाम से शुरू हुआ था, और आज ये सीरियसली डॉजकॉइन को किल करने वाला है। क्योंकि अगर हम डॉज की बात करें, तो उसका प्राइस बहुत नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा डंप हो रहा है। अगर हम बात करें शिप टोकन की, तो शिप टोकन को जो इन्फ्लुएंस करने वाला था, वो भी इलन मस्क की था, क्योंकि उन्होंने शिप के नाम से एक ट्वीट डाला था, जिसकी वजह से आज शिप टोकन आ चुका है, और इसका शिबा स्वैप भी जल्दी आने वाला है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा। तो यहाँ डॉजकॉइन किलर्स में सिर्फ शिप भी नहीं है, इसी के साथ लीश भी आने वाला है, और बोन भी जल्द ही आने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले थोड़ी सी डॉजकॉइन के बारे में, तो डॉजकॉइन अभी परफॉर्म बहुत ही बुरा कर रहा है। इसके रीजंस कुछ 2-4 हैं, लेकिन मेन रीजन यही है कि जो SNL हुआ था, उसके बाद चाहे इलन मस्क ने और भी ट्वीट किए, तो इसको कोई भी प्राइस मूवमेंट नहीं मिली, यानी कि इलन मस्क का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका था। लेकिन दूसरी बात यह है कि यहाँ और भी ऐसे मीम कॉइन्स आ चुके हैं, ऐसे बहुत से शिट कॉइन्स आ चुके हैं, जो इस चीज़ को ओवरटेक कर रहे हैं। तीसरा रीजन ये है कि अभी मार्केट ऑलरेडी डंप हो रही है। अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखें, इथेरियम का प्राइस देखें, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, और इसी के साथ जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं, वो सभी के सभी ब्लीड कर रहे हैं। हालांकि डॉज 5th biggest क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड में, यानी कि अगर आप इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हो, तो ये करीब $53 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसका जो मार्केट कैप है, SNL वाले दिन BNB के मार्केट कैप के बराबर पहुंच रहा था, जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है एक अप हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर डॉजकॉइन को एक्सेप्ट किया जाएगा, सीरियसली इलन मस्क के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो डॉजकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है।
जैसे कि हमने सुबह न्यूज डाली थी उसमें बताया गया था बिटकॉइन अभी सस्पेंड कर देगा, तो बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा टेस्ला की गाड़ी को बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन बहुत ज्यादा बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर। लेकिन अगर हम डॉज की बात करें तो डॉज सीरियसली बहुत अच्छा प्राइस मूव लेने वाला है। तो वज़ीरेक्स के ऊपर ऑलरेडी शिप टोकन तो आ ही चुका है, लेकिन इसका प्राइस कहां तक जाएगा ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ शिप टोकन में ट्रेड करना बहुत ही सावधान होकर ट्रेड करना, क्योंकि ऐसे शिट कॉइंस आपको जितना ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं उतना ही कैपेबल ये है कि आपको लॉस भी दे देंगे। तो आपने इसको बाय तो करना ही है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करो। कि कभी भी ऐसी गलती मत करो कि इसके हाई प्राइस पे बाय कर लिया और अभी तक आपको वो प्राइस ही नहीं मीट हो रहा, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी एग्जिट नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे ग्रुप में हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको हाई प्राइस पे बाय किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी भी वो लॉस में है। तो मैं आपको और भी अपडेट्स देने वाला हूँ शिप टोकन के प्राइस के बारे में, ये आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ। तो अभी से उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। लेकिन आपकी क्या राय शिप टोकन के बारे में, डॉजकॉइन के बारे में, कृपया हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और वीडियो खत्म होने से पहले हमारे चैनल वॉफ डॉट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइमली पहुंच रहे। धन्यवाद।